वैसे अब तक आपने बहुत सारे बेट्स वगैरह को देखा होगा और स्विंगिंग हैंगिंग और पता नहीं कितने प्रकार के बेट्स वगैरह को देखा होगा और आपने देखा होगा कि वो बेट कितने कॉस्टली होते हैं, मगर आपने आज तक जितने कॉस्टली बेट को देखा होगा वो कुछ भी नहीं है जो बेड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। दरअसल में जो बेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऐसा बेड है जो कि अपने में ही यूनिक है। अगर आपको मैं वो बेड दिखाऊंगा तो आपको लगेगा जैसे आप किसी फ्यूचर मूवी में आगे होंगे या फिर आप 40-50 साल आगे आ गए हूँ फ्यूचर में। तो मैं ऐसा बेड आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि वो बेड दरअसल में ऐसा बेड है क्योंकि वो बेड हवा में तैरता है। जी हाँ दोस्तों, वो बेड हवा में तैरता है और उस बेड का नाम है मैग्नेटिक हॉवर बेड। उस बेड की खासियत यह है कि उसमें बेड में मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट के कारण क्या होता है कि वो बेड हवा में तैरा करता है। पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बेड बना हुआ है ये बेड इतना आसान नहीं था बनाना। जिस इंसान ने इसकी खोज की थी, इस बेड को जिसने डिजाइन किया, उसने अपनी जिंदगी के 6 साल, जी हाँ दोस्तों 6 साल उसने अपनी जिंदगी के दिए थे तब जाके इस बेड को डिजाइन कर पाया था उस इंसान ने। और मैं आपको बता दूं कि उस इंसान को एक कॉन्सेप्ट आया था, दरअसल में 2000 में एक मूवी आई थी फ्यूचर वाली, तो उसी को देख करके उसने इस बेड को डिजाइन किया था। इस बेड में किनारे किनारे रस्सियां भी लगी रहती ताकि ये बेड स्टेबल रहे और इधर से उधर तैरे ना। और मैं आपको बता दूं कि तो ये तो रही बेड की मतलब बातें, मगर क्या आपको बताएं कि इसकी कीमत कितनी है। तो हम आपको बता देंगे कि इस बेड की जो कीमत है $1.6 मिलियन आती है, यानी कि अगर इंडियन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम आपको बता दें कि इस बेड की कीमत अगर इंडियन अगर कोई खरीदना चाहे तो हम आपको बता देंगे इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ के आसपास आएगी। तो रहेगा ना हैरान कि मतलब इतना महंगा बेड कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये बेड और इसमें नीचे मैग्नेट लगा होता है फ्लोर में और ऊपर भी मैग्नेट लगा होता है जिसके कारण से ये बेड तैराक करता है लगभग 900 kg के आसपास। तो ये 900 kg का वेट बर्दाश्त कर सकता है। और कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो मैं पोस्ट किया करता हूँ हर दिन।